अनीता जी, अनीता जी। हेलो भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंकू थैंकू। अनीता जी कहाँ है, बुलाइए उनको। पहले हमसे मिल लीजिए, अनु भी आ जाएगी। मिल तो लिए ना आपसे, बुलाइए उनको, हमको कुछ काम है उनसे। अभी जी क्या काम है आपको, बताइए ना मुझसे। छोटे पैसे चाहिए भाभी जी, हुक्म कीजिए, मैं छोटे छोटे नोट आपके कदमों में बिछा दूंगा ऐसे। हाँ एक मिनट रुकिए जरा, ये लीजिए। ये हमको ना ही चाहिए। नहीं ना ही चाहिए। अनीता जी। अरे हेलो गोरी जी। हेलो अनीता जी। खड़ा रखे उनको, बिठाया भी नहीं, बैठे ना, बैठे बैठे। क्या बात है अंगूरी जी, आप परेशान लग रही हो। हाँ अनीता जी, हमारे घर में ना चुल्लू पाउडर खत्म हो गया है। अभी जी रेड चिली पाउडर। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ मिर्ची पाउडर खत्म हो गया है, और मिर्ची पाउडर का अब तो धीरे धीरे सारा राशन खत्म होता जा रहा है। 500 का नोट तो कोई ले ही ना ही रहा है हमसे, हमारी तो कुछ समझ ही ना ही आ रहा है, का पकाए का खाए, लड्डू के भैया को का खिलाए। अंगूरी जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, हम है ना। मैंने आपसे कहा था ना आपको छोटे नोट चाहिए, तो मेरे पास है छोटे नोट, ये लीजिए 100 के, ये लीजिए, कीप इट, रख लीजिए। नहीं नहीं, ये 100, 200, 300 कब तक चलेगा। कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगा ना। ये तो है अंगूरी जी, आप ज्यादा फिक्र कर रही हैं। अरे 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। और फिर देखिए ना, सरकार ने ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए तो किया है, कितना काला धन सामने आएगा और ये वापस देश में ही तो जाएगा। अनीता जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन लड्डू के भैया हमरे सुनते ना ही हैं। हम उनको बोले थे कि सारा काला धन जाकर बैंक में जमा कर दें। भाई लड्डू के भैया के पास कितना होगा काला धन, मतलब 5,000, 10,000 कच्चा बनियान बेच के कितना? 50 लाख। कितना? हाँ 50 लाख है। हाँ और सारे 500,000 के नोट हैं, लेकिन का फायदा, हमको तो कोई कछु दे ही ना ही रहा है, धनिया भी ना ही मिल रहा है हमको। अंगूरी जी आप ये धनिया और चिली पाउडर की चिंता करना छोड़ दीजिए, आप एक काम कीजिए, आज आप और तिवारी जी हमारे घर पर डिनर के लिए आ जाइए। क्या बात करी है। ठीक है आ जाएंगे, थैंक यू, हम तैयार होकर आ जाएंगे। आई नीड समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू। हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो यार अनु, इस कच्चे बनियान ने 50 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, ब्लैक मनी 50 लाख। ही अर्न्स। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसे बा? बस भाभी जी, जी रहे हैं आपके हसीन साए में। का बोले? मैंने कहा भाभी जी कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपके लड्डू के भैया के काले धन को गुरा बनाने का मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। दिया कैसे? भाभी जी एक बंदा है जो पुराने नोट लेकर उसके एक्सचेंज में नए नोट दे रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा, हमको लड्डू के भैया को बताना चाहिए। रुकिए, सुनिए लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अगर लड्डू के भैया पे नहीं आ रहे तो भैया बुलाइए। हाँ। आइए। काय चिल्ला रही हो पगली? हाँ उन्हें भरभूति जी आपके लिए एक लोफर लाए हैं। भाभी इज नॉट लोफर, लोफर तो ये है। इट्स ऑफ। सही पकड़े हैं। आपको पता है बरबूती जी बोल रहे हैं कि वो आपके सारे काले धन को गोरा बना देंगे। काहे ढिंढोरा पीट रही हो, पूरे कानपुर में पूरे मोहल्ले को बता दोगी क्या? अरे हमको क्या चिल्ला रहे हैं, हम तो आपको मदद कर रहे हैं। ऐसे बिहेव करते हैं बीवी से? दिस इज द वे यू बिहेव विद योर वाइफ, यू सच अ डिसगस्टिंग मैन। आप हमारी भोली भाली बीवी को काहे वरगला रहे हैं? मैं वरगला नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा था, बता रहा था उनको कि मेरे पास एक बंदा है जो पुराने नोट लेता है उसके एक्सचेंज में नए नोट देता है। ठीक ठीक है, उसका नंबर दीजिए, हम उसे बात करते हैं। लाइए। ओहो हमारी शिकारपुर से नहीं है, लाइए दीजिए ताकि आप उनका नंबर ले ले और हम घंटी बजाएं बीच में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बीच में कमीशन खा रहे हैं, मतलब दल्ले हैं। जैसे आपकी घटिया शक्ल है वैसे आपकी घटिया जबान है।
आपके लिए होगा वो दलाल, लेकिन आई कॉल माई सेल्फ एन एजेंट। देखिए अगर आपको नोट एक्सचेंज करने हैं तो बताइए, वरना यू गो योर वे आई विल गो माइन। ठीक है, हम एक्सचेंज कराने के लिए तैयार हैं, हमें एक्सचेंज कराना है। तो 50 लाख पे लगेंगे आपके 15 लाख लगेंगे कमीशन के। तो बहुत ज्यादा थे, भाग गए थे, 15 लाख लेंगे आप। तो फिर आप अपने नोटों की बनाइए बत्ती और हम तैयार हैं। See you later, alligator. भाभी जी आपके गजरे से तो पूरा मोहल्ला महकता है। क्या बोले? मैंने कहा कैसी हैं भाभी जी, हाउ आर यू? बरबूती जी हम तो एकदम ठीक हैं, लेकिन लेटर के भैया आजकल बहुत ही परेशान रहते हैं। अरे वो परेशान है तो होने दी परेशान, आपके परेशान होती हैं, मैं हूं ना आपके लिए। क्या बोले भाभी जी? मैं कह रहा हूँ कि आप परेशान मत हुआ करिए, आप परेशान होती हैं तो पूरी कायनात परेशान हो जाती है, इस कायनात का जर्रा जर्रा परेशान हो जाता है। बाई गॉड का कुछ बोलेगा, हमरी कुछ ना ही समझ आ रहा है। भाभी जी इसी में तो मजा है कि हम बोले और आप ना समझे, जिस वजह आप समझ गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? I got a phone call. I got a phone. Yes. हाँ बोल प्रेम। अबे सुन विभूति, तू अपनी पार्टी के साथ घर पर मिल, आज शाम को मैं तेरे घर आ रहा हूँ नए नोटों के साथ। हाँ अपनी पार्टी के साथ, ठीक है मिलता हूँ तेरे को मैं। ओके आर सुन विभूति, ये बात की खबर किसी को कानो कान ना होने पाए, वरना रायता फैल जाएगा, क्योंकि मामला थोड़ा संगीन है। हाँ बेटा हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, डोंट वरी किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। ऑलराइट ओवर एंड आउट। किसका फोन था भाभी जी? आज रात 8:30 और 9 के बीच में आप मेरे घर पे आ जाइएगा, आपके लड्डू के भैया के पुराने नोटों को नए नोटों में तब्दील करने का हमने इंतजाम कर लिया है। हाँ ठीक वाले आएंगे। अब तो आप खुश है ना भाभी जी, जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। हाँ बरबूती जी सब तो ठीक है, लेकिन ना हमको ये काले धन को गोरा करना, ये सब कुछ ठीक ना ही लगता है। तो फिर आपने क्यों शादी की ऐसे आदमी से जिसके कारनामे काले हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी रात को आइएगा, मजा करेंगे, मतलब वेट करेंगे आपका। हाँ हाँ लड्डू के भैया को लेकर पहुंच जाएंगे। मैं उनको लेके आएंगी। आप भाभी जी सब्जी लाया था। हाय डियर यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी इट्स नाइस। सही पकड़े हैं। लगता है आप जानबूझकर करती हैं। I get this feeling sometimes, you know. क्या लाए हैं? करेला। ठीक बा। अभी जी प्यार तो हम भी बहुत करते हैं आपसे, और कसम ले लीजिए। क्या बोले? पर क्या भाभी जी ये कौन सनम है जिससे आप इतना प्यार करती हैं? अलेटी की भैया और कौन? Does he look like a sanam to you, भाभी जी? Oh come on, give me a break. Anyway, उसके अलावा आप किससे प्यार करती हैं? लड्डू के भैया के अलावा अम्मा जी हैं, लड्डू है, डेडू हमरी अम्मा, हाँ और हमरी भैंसिया, हमरी बकरी और झबरा। हम आपको बताए थे ना उनके बारे में। गधा आपका? सही पकड़े हैं। अभी जी इतनी लंबी फहरिस्त में कहीं इस गधे का नाम है? क्या बोले भाभी जी? हमसे सारा कोई प्यार नहीं करता। अरे क्या बोल रहे हैं, अनीता जी आपसे कितना प्यार करती हैं? जिससे हम प्यार करते हैं वो नहीं करता हमसे। अब क्या बोल रहे हैं, हमरे कछु ना ही समझ आ रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, द होल डैम गार्डन नोज मोर इट। ये गुल का होता है भाभी जी? गुल फूल होता है। कौन सा फूल? ब्लडी फूल। ये फूल के बारे में हम कभी सुने ना ही। देख लीजिए आपके सामने खड़ा है। अरे हमको फूल से याद आया, आज हम लड्डू के भैया के लिए फूल गोभी के पराठे बनाने वाले हैं। बाबू जी आप हमेशा लड्डू के भैया की कवाली गाती रहती हैं। I mean, do you have anything else to do or say? नमस्ते भाभी। अरे ये कौन बोला? अरे यार ऊपर आओ, देख नहीं रहे हो, ऊपर आओ। हाँ ये भाभी जी हम डॉक्टर गुप्ता। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बस एकदम अच्छे हैं भाभी जी।
कहाँ से आ रहे हैं? अब क्या है ना भैया कि मौसम चेंज हो रहा है, तो लोगों को जाड़ा, बुखार, सर्दी, खांसी लगी रहती, तो बस एक मरीज को ही देखकर चला आ रहा हूँ। आजकल तो कमाई का सीजन चल रहा होगा आपके। कहाँ भैया, कानपुर में ना लोग इलाज तो करा लेते हैं और फीस देने के नाम पे उनकी जान निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपका एक दिन के लिए स्टेथोस्कोप और आपका बैग चाहिए होगा। किसे बेवकूफ बनाने वाले हैं? आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। कहाँ है आम? वक्त आने पर आम भी मिल जाएगा। तो ठीक है, आप आम दे जाइए और बैग ले जाइए। यार मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ यार, इस मोहल्ले में एक भी आदमी ऐसा शरीफ नहीं है जो बिना पैसे का काम करे। कमीनों की बस्ती है, कमीनों की।